हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन हल कराऊंगा, जो पार्ट 16 है, पार्ट 16। ठीक, जिन लोगों का एग्जाम सीबीटी एग्जाम चल रहा है, वह सभी बच्चे इसको पढ़ें और परीक्षा दें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इतना सारा वीडियो बन रहा है, कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बस 10 से 12 मिनट का रोज़ वीडियो बनता है। आप पर डे एक एक वीडियो देखेंगे, आसानी से पास हो जाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 371, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? धातु दिया, ठीक है, धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? भंवर धारा होती है, ठीक है, एडी करेंट प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, एडी करेंट यानी कि भंवर धारा होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 372, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? जो वायु कैपेसिटर का प्रयोग होता है, ठीक है, एयर कैपेसिटर का जो प्रयोग करते हैं हम, वह कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा रेडियो रिसीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, रेडियो रिसीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 373, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? विपरीत यानी कि उल्टा जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट कर जाएगा। क्या होगा वह? अत्यधिक हीट होगा तो वह विस्फोट कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अधिक गर्मी के कारण वह क्या करेगा? विस्फोट कर जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 374 नंबर, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा? लकड़ी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, वुड यानी कि लकड़ी होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 375, फ्लक्स घनत्व की एस आई इकाई क्या होती है? फ्लक्स घनत्व की एस आई इकाई क्या होती है? इसे वेबर, वेबर मीटर, एम्पियर, टर्न, ये सब होता है। तो इसका क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 376 नंबर, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरिसिस लूप के कारण क्या दर्शाता है? हिस्टरेसिस लूप के कारण क्या दर्शाता है? चुंबकीय विशेषताएं को वह क्या करता है? दर्शाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 377 नंबर, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति, ठीक, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 378 नंबर, परमियोबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? परमीएबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या है? फ्लक्स और घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स और घनत्व के कारण परमीएबिलिटी में परिवर्तन होते रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। अंतरिक्ष में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया
जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिंग टैंटलम प्रकार का, टैंटलम प्रकार का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइटिंग टैंटलम प्रकार का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 380, इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है तो? अगर खुला परिपथ दोष होता है तो उस समय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह कार्य नहीं करेगा। अगर खुला परिपथ हो जाए, ओपन सर्किट हो जाएगा तो क्या करेगा? यह कार्य नहीं करेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 381 नंबर, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? अगर दूरी कम किया जाता है, जैसे दूरी को कम करते हैं तो धारिता का जो मान होता है क्या होता है? तो परिवर्तन होता है, पर क्या होता है उसमें? वह बढ़ेगा। तो मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 382 नंबर, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? इसमें जो होता है, कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है, एन और एस, ठीक, नॉर्थ और साउथ। चुंबक का दो स्टेप होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। तो इसी को पूछा गया है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिफ्रेक्टिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीसीए विशेषता को यह दर्शा रहा है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 383 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? वायु होगा। ऑप्शन नंबर ए, वायु होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 384 नंबर, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? प्रेरण विधि का, उसको इंडक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। जो होता अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंडक्शन मेथड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 385 नंबर, यदि घुमाओ के बीच की दूरी बढ़ती है तो? यदि घुमाओ के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? जो इंडक्शन का प्रभाव क्या होगा, ठीक है, टैंक्स का प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बढ़ेगा, ठीक है। क्या करेगा वह? प्रभाव बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 386, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है? पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है? तो हम क्या बताएंगे? प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रभाव को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रभाव को रोकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 387 नंबर, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के निर्धारण होने के कारण धारिता का मान का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटों का क्षेत्रफल के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 388 नंबर, आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? आरएफ युग्मन में सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मोनोलिथिक का प्रयोग करते हैं।
ऑप्शन नंबर बी है मोनोलिथिक का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 389। सस्पेटेंस की इकाई क्या होती है? जो ये क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा गया है, सस्पेटेंस की इकाई क्या होती है, महो होता है। ऑप्शन नंबर ए महो होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 390 नंबर, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले, 50 हर्ट्ज आपूर्ति, 0.8 शक्ति गुणांक है, 0.8 शक्ति गुणांक है, तो इसका कितने ओम का होगा? ऑप्शन नंबर बी 42.5 ओम होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 391। एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो क्या करेंगे? रीडिंग द कैपेसिटर वैल्यू, कैपेसिटर के मान को कम करके, ठीक है, कैपेसिटर के मान को कम करके से बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 392। तीन कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए क्या सूत्र है? यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, PR बराबर 3 VL IL cos थीटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन कला प्रणाली में यानी कि थ्री फेस प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्यगमी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है? नीचे होने मुख्य कारण क्या है? अधिक प्रेरण भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक प्रेरण भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 394। स्टार संयोजित सिस्टम में तीन फेस असंतुलित भार में उदासीन चालक में भार क्या होगा? उदासीन चालक में भार क्या होगा? ठीक, लोड पर भार क्या होगा? कलाओं में से किसी भी सबसे कम धारा की तुलना में कम होगी। ऑप्शन नंबर डी है, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 395। तीन कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए। यदि लाइन धारा IL 16 एम्पियर है, 0.8 शक्ति गुणांक पर, 0.8 शक्ति गुणांक पर, तो केवीए पूछा है आपका, तो क्या हो जाएगा? 11.5 केवीए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 11.5 केवीए होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 396। तीन कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर का मान शून्य होगा? क्या होगा यदि पावर फैक्टर का मान शून्य होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W1 और W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ है। क्या है? विपरीत संकेतों के साथ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 397। 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? वोल्टेज का जो होता है 240 वोल्ट RPM RMS, ठीक है, RMS के साथ वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? तो क्या होगा? 339.5 वोल्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 398। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या होगा? रिएक्टिव पावर का सूत्र
क्या होगा? तो उसका सूत्र होगा पी आर बराबर वी आई साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी है, पी आर बराबर वी आई साइन थीटा होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 399 आर बराबर 5 ओम, एक्सएल बराबर 36 ओम एंड एक्स सी बराबर 24 ओम है, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना ज्ञात कीजिए। प्रतिबाधा की गणना ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा सब मिला करके 13 ओम। क्या हो जाएगा? 13 ओम। ऑप्शन नंबर सी है, 13 ओम होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 400, एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर कितना होगा? कलांतर कितना होगा? 90 अंश होगा। क्या होगा? एक दूसरे फेज का अंतर कितना होता है? 90 अंश होता है। ऑप्शन नंबर ए, 90 अंश होता है।